हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करके फेस मास्क बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने कॉटन के दो पीसेस लिए हैं अलग अलग कलर के, और इनके ऊपर फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है। ये वाला फ्यूज़ पेपर मैंने इसके ऊपर चिपकाया है जो कि किसी भी टेलरिंग स्टोर पर ईजिली मिल जाता है, और अगर आप रेगुलर स्टिचिंग करते हैं तो आपके पास भी ये पड़ा ही होगा। इसे चिपकाना बहुत ईजी होता है। इस तरीके से कपड़ा इसके ऊपर रख के इस पे प्रेस कर दी जाती है और ये कपड़े के साथ इजीली चिपक जाता है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप कपड़े की नॉर्मल कॉटन के फैब्रिक की 3-4 लेयर्स यूज़ करके ये मास्क बना सकते हैं। तो इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और अब यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। अब यहाँ से हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से भी 4.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 4.5 पे ही हमें निशान लगाना है। तो इसका पैटर्न बहुत इजी है। यहाँ से भी 4.5 और यहाँ से भी 4.5। आपके लिए मेजरमेंट्स लिख भी देती हूँ यहाँ पे। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ से 3 इंच। अब इस तरीके से एक शेप हमें यहाँ पर ड्रॉ करके, ये देखिए, इस तरह से कर्वी लाइन से हमें इसको ज्वाइन करना है। और यहाँ से 0.6 और यहाँ से 0.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से एक कर्वी लाइन से हमें इसको भी ज्वाइन करना है। अब इसे कट कर देंगे, अच्छे से इसको जहाँ जहाँ पर हमने लाइंस लगाई थी वहाँ वहाँ से इसको कट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा बेसिक पैटर्न तैयार हो गया है। अब दूसरे फैब्रिक के पीस को भी हम इसको ट्रेस करके कट करेंगे। तो ये मैंने ट्रेस कर लिया है और इसको बस हमें यहाँ से थोड़ा बढ़ाना है। तो तकरीबन 1 इंच जो है हम यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे और अब इसे कट करेंगे। इस तरह से पैटर्न को अच्छे से कट करेंगे। और कट करने के बाद हमारे पास इसके 4 पीसेस हो जाएंगे रेडी इस पैटर्न के। ये देखिए, ये 4 पीसेस कट करके हमें इनको रेडी करना है। और अब हम सिलेंगे और इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये इलास्टिक ली है, बारीक वाली इलास्टिक है ये। और इसके 2 पीसेस मैंने कट किए हैं 6 इंच लंबे। अब हम मास्क को सिलना शुरू करेंगे। तो सेम कलर के 2 पैटर्न मैंने लिए हैं और इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और अब इसके बीच में हमें सिलाई लगानी है, यानी कि जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। और आप देख सकते हैं मैंने कितना कम मार्जिन छोड़ा है इसमें। बिल्कुल बारीक सिलाई हमें इस पर लगानी है। और अब इस तरीके से इसको खोलेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। बारीक बखिए से ही हमें ये टॉप स्टिच भी लगाना है। ये देखिए, इस तरह से सिलेंगे इसको। और आप देख सकते हैं कि एक कप जैसी शेप यहाँ पर बन गई है। तो इसी तरह से हमें दूसरा वाला पैटर्न भी हमारा स्टिच करना है। इस तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे और टॉप स्टिच करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक कप जैसी शेप फॉर्म हो गई है। और ये दोनों के दोनों हिस्से हमारे रेडी हैं मास्क के। अब हम इन दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, दोनों हिस्से रेडी हैं। अब इस तरीके से हम
इन दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कि ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, ये बिल्कुल सेंटर में रहे इस तरीके से। और अब यहाँ पर बिल्कुल बारीक बखिये से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे, क्योंकि ये गोलाई वाला हिस्सा है और नॉचेस लगाने से जब हम इसको पलटेंगे तो इसमें सफाई आएगी और इजीली पलट भी जाएगा। अब यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे और इस सिलाई को लगाने के बाद अब हम इसको पलट के सीधा कर देंगे। इस तरीके से इसको पलट के सीधा कर देंगे। और ये मास्क का बेसिक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके नीचे वाली तरफ एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से अब मुझे इस मास्क के लिए एक नोज़ वायर बनानी है, और ना तो मेरे पास कोई मेटालिक स्ट्रिप अवेलेबल है और ना ही कोई वायर, तो इसलिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल का एक पीस लिया है तकरीबन 11.5 इंच लंबा, और इसे बीच में से इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ दो बार। और अब हमें यहाँ से इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि एक पतली सी मेटालिक स्ट्रिप बनकर तैयार हो जाए। इस तरीके से एक पतली और थिक मेटालिक स्ट्रिप हमें यहाँ पर बनानी है। अगर आपके पास भी कोई वायर या मेटालिक स्ट्रिप ना हो तो आप इस तरीके से काम चलाओ, मेटालिक स्ट्रिप जो है वो अपने मास्क के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक निशान लगाना है इसकी चौड़ाई के हिसाब से, तो जितनी चौड़ी ये स्ट्रिप है हमें उतना ही चौड़ा गैप छोड़ के जो है सिलाई लगानी है यहाँ पर, इस तरीके से। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमने जो मेटालिक स्ट्रिप बना के तैयार की थी उसे हम इसके बीच में इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और बिल्कुल सेंटर तक हमें इंसर्ट करना है इसके बीच तक, इस तरीके से। और अब इसे लॉक करने के लिए इसके दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये स्ट्रिप अपनी जगह से ना हिले। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हमने अच्छे से सिलाई लगा के इसको लॉक कर दिया है और अब ये स्ट्रिप अपनी जगह से नहीं हिलेगी। आप देख सकते हैं ये इजीली मुड़ जाएगी, और जब आप इसको इस मास्क को फेस पर पहनेंगे तो अपनी नोज़ की शेप के हिसाब से इसे अपने फेस पर फिट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें इलास्टिक लगानी है, तो यहाँ पर इलास्टिक को अटैच करेंगे। इस तरीके से। और ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और इलास्टिक वाले हिस्से को अच्छे से दबा देंगे। ऐसा करने से एक तो मास्क में सफाई आएगी, सफाई से बनेगा ये मास्क, और दूसरा जो है इलास्टिक मजबूती से अटैच हो जाएगी और टूटेगी नहीं। यहाँ पर अच्छे से पक्की सिलाई हम लगा देंगे और अब इसे इस तरफ मोड़ देंगे और एक सिलाई और लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इलास्टिक अटैच करेंगे। ये देखिए। तो गाइज ये देखिए मास्क हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, और मैंने इसको दो कलर्स में इसीलिए बनाया है ताकि आपको पता रहे कि मास्क का कौन सा हिस्सा आपके फेस को टच कर रहा था। साथ ही ये मास्क रीयूजेबल है, आप बार बार इसको वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।